पलायन की अब तक की सबसे भयावह तस्वीरें। लॉकडाउन के चलते पलायन करने का सिलसिला है जारी। जहां कोरोना के चलते पूरे देश में हुए लॉकडाउन के कारण देश के अनेक व्यापारिक नगरों से मजदूरों के पलायन करने की विचलित कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश में कोविड-19 कोरोना के बढ़ते कहर से बचने के लिए देश में तीसरी बार लॉकडाउन की घोषणा की गई। ऐसी परिस्थितियों में सबसे अधिक प्रभावित देश के व्यापारिक नगरों में काम की तलाश में गए मजदूर हो रहे हैं। बता दें, जो भूखे मरने के आगार पर पहुंचकर अपने घरों के लिए पैदल ही चल दिए हैं, ऐसे मजदूरों के झुंड अक्सर कर देखने को मिल रहे हैं, जो भूखे प्यासे मासूम बच्चों को लेकर हजारों किलोमीटर दूर अपने घरों को पैदल चलने के लिए मजबूर हैं। कहीं पर इन्हें पुलिस का सहयोग मिल रहा है तो कहीं इनके भूखे पेट में पुलिस की गालियाँ और लाठियाँ मिल रही हैं। कुछ भी हो, बता दें, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में पलायन करने की इतनी भयावह तस्वीरें सरकारी दावों की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। और दुनिया के सामने भारत की क्या छवि उभर कर सामने आ रही है, ये तो सभी जानते हैं। आइए सुनते हैं इन लोगों से क्या कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनीता। तो आप कहाँ से आ रही हैं अभी? कानपुर। जाएंगी कहाँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जाएंगी, तो यहाँ कैसे आई आप? यहाँ तक पैदल आ रहे थे। अच्छा, ट्रक वाले ने रोका तो साधन मिल गया तो आ गए। वहाँ कैसे जाएंगे? वैसे लिफ्ट लेते लेते चले जाएंगे, आगे पैदल आता है। क्या नाम है आपका? राम कुमार। तो आप कहाँ से आए यहाँ पे? कानपुर से। तो जाएंगे कहाँ? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, तो क्या करते थे कानपुर में? लेबर मिस्त्री। तो फिर क्यों चले आए? अब वहाँ काम नहीं चल रहा है सर, काम बंद है। क्या नाम है आपका? हमारा लालू। तो आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम अभी आ रहे हैं कानपुर से। कानपुर से। तो कहाँ जाएंगे आप? जाएंगे छत्तीसगढ़ जाएंगे भैया। कानपुर में क्या करते थे? यहाँ काम कर रहे थे। अच्छा, काम कर रहे थे। हाँ। तो कानपुर से यहाँ कैसे आए? भैया आ रहे हैं, गाड़ी पा रहे हैं तो बैठा लेते हैं, फिर चले जाते हैं उसमें, फिर पैदल करते, कोई रोक लेता है गाड़ी तो फिर बैठ जाते हैं।